एवरीवन, सो आज का जो हमारा वीडियो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वीडियो होने वाला है। यहाँ पे कोई टेक्निकल बातें नहीं होने वाली, एकदम क्रिएटिव वीडियो बनने वाला है बच्चों। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ करने वाले हैं वेडिंग फोटोग्राफी के साथ। मतलब आप जानते हो कि मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, और जब भी मैं शादियाँ शूट करने जाती हूँ ना, तब कुछ 100 रुपये के अंदर, मतलब 100 रुपया भी नहीं है, 100 रुपये के अंदर वाली कुछ चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरी वेडिंग फोटोग्राफी ऐसा लगता है यार ये फोटो आपने कैसे कैप्चर किया, एडिटिंग किया है क्या, कुछ भी नहीं, मतलब यही सारी चीजों से किया है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये वीडियो बड़ा आपको मजा आने वाला है, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी टिप्स हम लोग ने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, इंस्टाग्राम पे हम लोग को फॉलो कीजिए। और अगर आपको एक मास्टर वेडिंग फोटोग्राफर बनना है, तो हम लोग ने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक टू एडवांस फोटोग्राफी करनी है, उसके लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हो। साथ ही साथ काफी लोग बोलते हैं कि यार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन चाहिए, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन चाहिए, तो इसीलिए 3 दिन का एक वर्कशॉप रखा है सिर्फ और सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली, कुछ थियोरी नहीं, प्रैक्टिकली वेडिंग फोटोग्राफी कैसे करते हैं। मतलब आपको ऑलरेडी आना चाहिए, मतलब थोड़ा बेसिक एडवांस का मतलब पता हो, तो अगर आपको पता है तो आप ये वेडिंग फोटोग्राफी का वर्कशॉप में आ सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड मेरे पास कुछ है इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ये दिवाली के दिए लाइट से, मतलब 10-10 रुपए के भी नहीं है ये। तो यहाँ पे होता है स्विच, ऑन एंड ऑफ का स्विच रहता है ये दिए, ठीक है। ये कलर कलर की लाइटें छोड़ रहा है, ये मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, ये जो कलर कलर की लाइटें ये छोड़ रहा है, इसको मैं क्या करती हूँ, अपने कैमरा पे मैंने 50mm का f1.8 लगाया है, ठीक है। अभी फुल फ्रेम कैमरा या कोई भी कैमरा ले लो, पर अगर आप 50mm 1.8 मिल रहा है आपको, तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं हमेशा एपेचर 1.8 रखती हूँ, ताकि जो भी मैं चीज़ इसके आगे यूज़ करूँ वो सब कुछ ब्लर हो जाए और पीछे भी ब्लर हो जाए। ऑलराइट, तो इसीलिए f1.8, ठीक है। एपेचर प्रायोरिटी पे रखती हूँ, मतलब AV मोड पे रखती हूँ, और ISO जो एक्सपोजर के हिसाब से ज़रूरत रहता है उस हिसाब से मैं रख देती हूँ। तो ये है एक कैंडल जैसा, मतलब एक आर्टिफिशियल कैंडल है, ठीक है, जिसमें कलर कलर की लाइट है, उसको बस मैं अपने कैमरा के आगे इस हिसाब से रखती हूँ। देखो मैं कैसे रख रही हूँ कैमरा के आगे, आप देख पा रहे हो, और ऐसे रखने से मुझे कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग फोटोज़ मिलते हैं, जहाँ पे मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बारी बारी जो इसका कलर है ना, जो पिंक के थ्रू आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ब्लूइश पिंक, रेड और रेडिश पिंक, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कलर्स मिले थे जो फोटोज़ में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एक रीसेंट प्री वेडिंग शूट में मैंने यूज़ किया था, तब से ये मेरा फेवरेट हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड टिप के ऊपर, और वो है मिर्ची लाइट्स। तो यहाँ पे हमारे पास मिर्ची लाइट्स जो हम लोग दिवाली में यूज़ करते हैं, पर हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड है। ये भी आपको मैंने कुछ 100 रुपये के अंदर वो रोड से मिल गई थी मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको किया है ऑन, और ये आप देख सकते हो कि कितनी बहुत सारी जो है मिर्ची लाइट होती है। मैं इसे क्या करती हूँ कि ये जो लाइट्स है इसे मैं ऐसे कर देती हूँ थोड़ा स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद इसको भी 1.8 यही लेंस के आगे मैं ऐसे रख देती हूँ, और फोकस करती हूँ मेन सब्जेक्ट के ऊपर। तो आगे मैं ये स्लाइड्स को रखती हूँ, और मुझे बोके मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़े बड़े बोकेज मिलते हैं। अगर मुझे लगे कि ठीक है आगे बहुत सारे बोके हैं, इसको और कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, हमारे पास एक पूरा वायर है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि इस वायर को, ये थोड़ा सा उलझा हुआ है बट स्टिल, इस वायर को थोड़ा और सीधा स्ट्रेच करके मैं इसको मेरे लेंस के आगे ऐसे रख देती हूँ, और कपल, जो कपल खड़ा है उसको वहाँ तक स्ट्रेच होने देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे लेंस के आगे रहेगा और वो कपल तक जाएगा, तो जिसकी वजह से मुझे इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ मिल रहे हैं जो बहुत ही यूनिक लगते हैं, मतलब देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्रिस्टल बॉल की तरफ। ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, और ये वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा था। तो क्रिस्टल बॉल यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली आज दिखाती हूँ, मतलब फट 30 सेकंड में नहीं, प्रॉपरली दिखा रही हूँ। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ।
ये जो क्रिस्टल बॉल हुआ था मैंने कहाँ से लिया था, वो जो मंदिर रहता है तो मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर के बाहर वो पता है वो बेचने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे वो भूत प्रेत करने वाले या जन्माक्षर को देखने वाले जो लोग होते हैं वो पंडित जी ये यूज़ कर रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, ये मेरी फोटोग्राफी के लिए अच्छी बात है। आप समझ रहे हो, आप जब भी कहीं पर जाओगे तो ऐसा देखना चाहिए कि फोटोग्राफी के रिलेटेड मुझे कुछ मिल जाए। तो मेरी तो नज़र वैसी बड़ी शार्प है वो सारी चीज़ों में। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे ना, ऐसे कांच का ऐसा डिज़ाइन है राइट, जहाँ पे बहुत सारे ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल है, तो इससे क्या हो रहा है बहुत सारे फोटोज़ जो रहता है, बहुत सारा जो लाइट अंदर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे यहाँ पे अभी चेहरे पे लाइट आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर से देखूँ तो मेरे को रिपीट रिपीट बहुत सारी एक तो चीज़ें दिख रही है, और जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन इस ग्लास के ऊपर पड़ रहा है, और साथ ही साथ उसमें से RGB के कलर्स भी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लाइट में RGB रहता है, जिसकी वजह से इसमें भी RGB का ग्लास में से कलर बाहर आ रहा है, और पॉब इफेक्ट मिलती है, मतलब ब्यूटीफुल ऐसा लगता है जैसे एकदम ग्लो आ जाता है फोटो में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसको करता कैसे है, ये जो है इसको इसके आगे रखो, ठीक है, ऐसे रखो, ठीक है, और ऐसे घुमाओ, ऐसे उतना घुमाओ जितना, मतलब जब तक तुम्हें वो इफेक्ट ना मिले, तो ऐसे ऐसे घुमाना होता है, ठीक है। देखो मस्त मेरे को अभी RGB मिल रहा है, ब्यूटीफुल RGB लग रहा है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि मतलब कब आपको RGB मिलता है, और मतलब लाइन जो रेशे होते हैं RGB के, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये यूज़ करने में। ये अमेज़ॉन में भी मिलता है, पर आई गेस अमेज़ॉन पे 200-500 रुपये का या कभी कभी 1000 रुपये का मिल जाता है, मुझे तो ये 80-50 रुपये में मिल गया था। इसका मैंने छोटा वर्जन भी लिया था, मुझे इतना इफेक्ट अच्छा लग गया, मैंने बोला और एक ले लेती हूँ, तो ये कुछ 50-30 रुपये में मैंने लिया था, और इससे मेरी फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये है क्रिस्टल बॉल्स। उसके आगे आप शायद मुझे ऐसा कंसिडर करोगे कि मैं बहुत मंदिर जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। एक मंदिर बनाने वाली की एक दुकान थी, तो हम लोग बस ड्राइव कर रहे थे, और मैंने देखा कि वो लोग ये एक्रेलिक शीट यूज़ कर रहे थे, मतलब वो नहीं टंगी हुई रहते हैं मंदिर के ऊपर लगाने वाली। मैंने बोला ये डिज़ाइन बड़ी अच्छी है, मतलब बहुत ही इंडियन डिज़ाइन है, मतलब मंदिरों में जो लगाते हैं, तो ये वेडिंग में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया था, अपना जो फ़ोन का टॉर्च रहता है, तो अभी देखो मैंने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया है, और देखो मेरे चेहरे के ऊपर ये गोवो इफेक्ट आ रहा है। आपने देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसी कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छी लगी वो ले लो, थोड़ी बारीक होनी चाहिए, मतलब डिज़ाइन दिखनी चाहिए, और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो भी नैरो होना चाहिए, ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बड़ा सोर्स ऑफ लाइट लेगा तो उसमें ये इफेक्ट इतना नहीं आएगा, थोड़ा नैरो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, और फिर देखो क्या भारी इफेक्ट आ रहा है। तो इसके वजह से आपको बहुत सारे शादियों में अच्छे फोटोज़ मिलेंगे, और ब्राइड्स बड़ी खुश होगी, मतलब एकदम मस्त फोटो लगेगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो इसके साथ आता है हमारे ये फूलों के गुच्छे। तो मैं पहले क्या करती थी, जब मैं नई नई फोटोग्राफर थी तो शादियों में वो फूलों का डेकोरेशन होता था, तो मैं फूल तोड़ती थी, ठीक है, डेकोरेशन में से, और वो फूल जो है ऐसे मैं अपने लेंस के आगे लगाती थी। पर यार मुझे क्या लगता था, मुझे तो ये कलर का गुलाब चाहिए, मुझे सफ़ेद कलर के गुलाब मिलते थे, मुझे तो लाल कलर का गुलाब चाहिए, कभी पिंक चाहिए कभी पर्पल चाहिए। मैंने बोला छोड़ो डेकोरेटर को, चलो मैं झाके अभी गुच्छे लेके आती हूँ। तो मैंने ये कुछ 10-10, 20-20 रुपये वाले गुच्छे लिए थे, जिसमें मैंने ग्रीन कलर लिया, क्योंकि अगर ग्रीनरी में शूट कर रहे हैं, बहुत सारी ग्रीनरी में शूट कर रहे हैं, तो ग्रीन कलर का गुच्छा रखने का मतलब क्या होता है इससे, कि अगर मेरा ये 50mm का लेंस है, मैंने ये ग्रीन कलर का गुच्छा ऐसे आगे रख दिया, एकदम ग्रीन इफेक्ट आ रहा है, देखो एकदम ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधा है आगे, ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से, और पीछे जो है इंसान खड़ा है उसके पीछे ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल फोटोज़ विद दिस ग्रीनरी थिंग, ठीक हो, एकदम ब्यूटीफुल ग्रीनरी आ रहा है मेरे इसके ऊपर। इसके बाद आता है पर्पल और ब्लू कलर। कभी कभी अगर ऐसा मुझे इफेक्ट चाहिए जिसमें पर्पल और ब्लू, जैसे मैंने इसको कम यूज़ किया, कभी कभी पर्पल और ब्लू थोड़ा सा अननेचुरल लगता है, पर फिर भी आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ब्लू या सिर्फ ऐसे पर्पल चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सबसे हाईएस्ट मैंने यूज़ किया है रेड और पिंक एंड येलो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। वाइट का भी इतना इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वाइट है ना, मतलब प्लेन हो जाता है, पर अगर आप पिंक रखते हो तो पिंक का बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है ऐसे आगे रखने पे, येलो का बहुत ही वाइब्रेंट इफेक्ट आता है, रेड का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, मतलब वेडिंग में कपड़े तो रेड रहते हैं, पिंक रहते हैं, येलो रहते हैं, तो उस हिसाब से येलो, मतलब येलो कलर रेड के साथ कंबाइन में अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से इफेक्ट्स बहुत ब्रिलियंट मिलती है। इट्स वर्थ ट्राइंग, आप ऐसे गुच्छे ले सकते हो, हार्डली कुछ चीज़ों के रुपए हैं इसमें। इसके बाद आता है हमारा मिरर। मैं मिरर्स बहुत यूज़ करती हूँ, ये मिरर है, मतलब ये देखो ये मैं मिरर है, ठीक है, तो ये मैं मिरर को किस हिसाब से रखती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा कैमरा है, कैमरा के नीचे मैं ऐसे मिरर को रख देती हूँ,
ठीक है, इसमें मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं f1.8 यूज़ करूँ, आप जो चाहे वो लेंस यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर अगर 1.8 रहेगा, अगर इसके ऊपर आप अगर पीछे बोके का बैकग्राउंड है तो इसमें ब्लर होने के चांसेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपको अच्छी इफेक्ट मिल सकती है। सो रिकमेंडेड है कि आप 1.8 पे शूट करोगे तो मज़ा आएगा, पर कभी कभी 50mm का जो mm है वो बहुत ही कम पड़ता है, तब हम लोग को वाइड mm की ज़रूरत पड़ती है, तो तब आप 24-105 वगैरह के लेंसेज यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बस ऐसे करके ये मिरर को वैसे बैलेंस करना है कि रिफ्लेक्शन दिखे। यूजुअली सबकी बड़ी गलती यही हो जाती है, मतलब ये रखते हैं और सीधा डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं, ऐसे नहीं आता, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ऊपर नीचे कहाँ जा रहा है मिरर, ऐसे एडजस्ट करके आपको काम करना है, तो काफ़ी अच्छा ऐसा आपको इफेक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो। सो ये जो है बहुत ही काम का चीज़ है, ये मिरर आप ले सकते हो। ये तो मैंने थोड़ा डिज़ाइनर मिरर का पीस ले लिया, पार्ट ने लिया था, पर आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल मिरर यूज़ कर सकते हो, और अगर इमरजेंसी में मिरर नहीं है तो फ़ोन तो है, तो ये जो फ़ोन है ये फ़ोन के ऊपर भी तो रिफ्लेक्शन आता है ना रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये तो बहुत ही कॉमन टेक्निक है, मतलब बहुत सारे फोटोग्राफर्स इंस्टाग्राम पे तो भरे पड़े हैं ये इस वीडियो दिखाने के लिए, तो बस इसको मैं ऐसे रिफ्लेक्शन की तरह यूज़ कर लेती हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, फ़ोन की स्क्रीन पे ना वो ग्लॉस नहीं आता, मतलब एकदम दबा दबा कलर लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं ये मिरर खास अपने साथ रखती हूँ। अपना जो असिस्टेंट होता है उसको मैं बोलती हूँ सब तेरे खींचे में रख, और मेरे को जब भी चाहिए वो तेरे को मेरे को उठा के देना है, ठीक है। अभी ये मैं कब यूटिलाइज़ करती हूँ, मंडप के अंदर यूज़ करती हूँ, फिर जो गेटिंग रेडी शॉट रहता है उसके वक्त मैं यूज़ करती हूँ, जब मुझे लगे ना कि वो गेटिंग रेडी के शॉट में मुझे कुछ क्रिस्टल बॉल का इफेक्ट चाहिए, या कभी मुझे मिर्ची लाइट का इफेक्ट चाहिए, प्री वेडिंग शूट्स में मिर्ची लाइट का यूटिलाइजेशन करती हूँ, फिर कभी कभी मुझे लगे कि वो जो वेडिंग का ब्राइडल शॉट रहता है तब मैं यूज़ करती हूँ, कपल के शूट के वक्त यूज़ करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं तब ऐसी जगह पर यूज़ करती हूँ जहाँ पर प्री वेडिंग वेडिंग वगैरह रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हूँ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो लाइक करोगे इस वीडियो के तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से मैं आपको और ऐसे वीडियोस दे पाऊँगी। एंड कुछ भी डाउट रहेगा, आपका ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है, तो कमेंट करो ना, मैंने कहा ना बोला है, कमेंट करो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है जिससे और फोटोग्राफर सीख सके, कमेंट करो, सबको सीखने को मिलेगा। एंड इंस्टाग्राम पे हम लोग को DM करो, इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप हमारा ये फोटोग्राफी कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे डायल कर सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको एक 3 दिन का मास्टर क्लास वेडिंग वर्कशॉप ऑफलाइन चाहिए तो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।